गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल फूड एंड ट्रेवल एक्सप्रेस। एंड आज मैं बना रही हूँ एक बहुत ही झटपट एंड बहुत ही अच्छी क्रेविंग कंप्लीट करने वाली रेसिपी। मैं बना रही हूँ मैंगो कुकीज़, मैंगो ओट कुकीज़, ओट्स की कुकीज़ बना रही हूँ, जो हमारी शाम की खाना चीट करने की क्रेविंग होती है उसको कम्प्लीट करेगा, और जो हम आटे वाले बिस्किट फटाफट फटाफट चाय के साथ खाते हैं उसको थोड़ा सा कम करेगा। सो लेट्स चेक आउट द रेसिपी। ओट्स, मैंने ओट्स को सिंपली पहले पीस लिया है, उसका आटा बना लिया, और 1 टेबलस्पून देसी घी में अब मैंने इसको थोड़ा लाइट ब्राउन होने तक रोस्ट कर लिया है। सी आप देख सकते हैं मैंने क्या किया है, मैंने अपने ओवन को प्री हीट पे लगा दिया है 180 डिग्री सेल्सियस पे 10 मिनट्स के लिए। मैंने इसको प्री हीट पे लगा दिया है। मेरे पास पाउडर्ड शुगर है, ये मैं अपने फैमिली के लिए बना रही हूँ तो मैं शुगर ऐड कर रही हूँ। अगर आप अपने लिए और आप डाइट पे हैं तो आप इसमें हनी ऐड करेंगे, शुगर को थोड़ा इंग्रेडिएंट ऑफ दीज कुकीज मैंगो पल्प। ये मैंने फ्रेशली एक मैंगो लिया है, उसको मैंने अच्छे से पल्प कर लिया है, पल्प बना लिया इसकी, देख सकते हैं रोस्ट हो गया था तो इसको मैंने इसमें ट्रांसफ़र कर लिया है। अब इसको थोड़ा सा वार्म होने दूंगी मैं, और इसके बाद इसमें मैं शुगर ऐड करूंगी और पल्प, मैंगो पल्प ऐड करके इसका डो बनाऊंगी। पल्प एंड शुगर मैंने अच्छी तरह ऐड कर दिया है। अब अपने हैंड्स क्लीन करके मैं इसका आटे जैसा डो बना लूँगी। डो मेरा रेडी है, अब मैं इसके छोटी छोटी कुकीज़ बना लूँगी ऐसे। और इसको बेकिंग ट्रे में लगाना है। कुकीज आर रेडी टू बेक, दीज आर रेडी। इट लुक्स यम और इट स्मेल्स यम।